नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सरल नुस्खा है जो कि आप खुद बना सकते हैं और इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। और इसमें हमें दो चीज़ें लेनी है सिर्फ। एक हमने इसमें आज यूज किया है सफ़ेद मिश्री, आप देख सकते हैं धागे वाली है जो क्रिस्टल क्रिस्टल की तरह होती है। इस मिश्री में, इसे बांस मिश्री भी बोलते हैं या धागे वाली मिश्री बोलते हैं, ये दवाई वगैरह में काम आती है, चाहे खाने की। असली मिश्री यही है जो मार्केट में आजकल चीनी कटिंग की आती है, उससे इसमें और उसमें बहुत अंतर होता है। दूसरा यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको ये आंवला, सूखे आंवले। ये मैं बाजार से लाया हूँ, आप इसे घर में भी आंवला सुखा सकते हैं। लास्ट महीना चल रहा आंवलों का, तो आप देखिएगा अगर इस समय भी ले सकते हैं तो ले करके सुखा लीजिएगा। और जितने छोटे आंवले होंगे उतना बढ़िया रहता है, जो देसी आंवले होते हैं, और बड़े जो भी मिल जाए अवेलेबल हो आपके पास। तो करना क्या है, ये किस काम में आता है वो हम बता देते हैं आपको। ये जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो इस काम के लिए है कि जैसे कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी बार बार मूत्र करने जाना पड़ता है, मूत्र विसर्जन करने, तो प्रॉब्लम हो जाती है। या वैसे भी अन्य बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी देखेंगे तो उनके मसाने कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर वो भी उन्हें भी बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। रात्रि में बच्चे भी परेशान करते हैं। तो ये इन जितने भी जो हम बोलते हैं बहुमूत्र की प्रॉब्लम होती है, बार बार जाना पड़ता है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो भी ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं, तो उनमें भी प्रॉब्लम रहती है 3 से 4 महीने में, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये नुस्खा है। तो इसमें करना है कि हमने कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है कि इसमें आप 100 ग्राम सूखे आंवले ले लीजिएगा और 100 ग्राम मिश्री, दोनों का अलग अलग कूट करके पाउडर बनाना है। मैं यहाँ पे पाउडर नहीं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको हमाम दस्ते में कूट लीजिएगा। जैसे भी आप पिसा हुआ पाउडर भी मिल जाता है आंवले का चूर्ण, तो ले सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया रहेगा अपना खुद खरीद के सुखा के रख लें और उसका चूर्ण बना लें तो बहुत बढ़िया। और मिश्री 100 ग्राम लेके दोनों को बराबर मात्रा में लेनी है, मतलब, और लेकर के पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को सुबह ब्रश करने के बाद 1 चम्मच ले लें, ऐसे ही इवनिंग में 5-6 बजे ले सकते हैं। जैसे दोपहर में 1 बजे भोजन खाया तो उसके 5-6 घंटे बाद ले लें, तो ये 2 टाइम आप इसको लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक ही रसायन होता है जो हमारा आंवला है, ये रसायन में आता है, तो ये हमारे शरीर को एक नहीं कई बीमारियों को दूर करता है। ये तो जो मुख्य रूप से मैंने बताया वो तो है ही है कि बार बार जो मूत्र त्याग करने की प्रॉब्लम होती है उसको ये उससे निराकरण करेगा आपका। साथ ही ये श्वेत प्रदर जिसको लिकोरिया वालते हैं उसमें भी रामबाण काम करेगा, उसके लिए भी है। और साथ ही जितनी भी गर्भाशय की प्रॉब्लम हो या जो भी मतलब नॉर्मल जो प्रॉब्लम रहती है मूत्र संबंधित, वो सारी चीज़ें इससे सही होंगी। और विटामिन सी का स्रोत है ये आपको पता है, तो भरपूर हमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा ये, साथ ही प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगा। और एक रसायन होने के कारण ये हमारे पित्त, जो आजकल हमारे अधिकतर लोग पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, 50+ से ऊपर पित्त प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, तो उनके क्या है कि पित्त को भी कंट्रोल करेगा। और इसको जैसे कि रक्त की प्रॉब्लम होती है, रक्त की प्रॉब्लम की जैसे पित्त बढ़ जाना, तो उसमें खाज खुजली, उसमें भी ये फायदा करेगा ही करेगा। तो ये आप ले सकते हैं, ये अधिकतर गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, क्योंकि मैंने इसमें मिश्री का सेवन कराया जो कि ठंडा होता है, आंवला एक ठंडा रसायन है, तो ये दोनों चीज़ें लेकर के आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये बच्चे बूढ़े कोई भी ले ले तो कोई नुकसान नहीं है इसका। जैसे सुबह सुबह आंवला जूस लेने की सलाह दी जाती है, तो उसकी जगह पाउडर का यूज करने की, इसलिए बोल रहा हूँ आंवला जूस एक तो महंगा पड़ता है और विभिन्न बहुत सारी कंपनियाँ उसमें कितनी कितनी मात्रा में वो जूस मिला रही है और उसमें क्या कितना पानी मिला रही है कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो है ये शुद्ध रूप में रहेगा, तो आप इसको ले लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया है। और इसी के ये मैंने अब छोटा सा आपको नुस्खा बताया, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसे आप यूज करिएगा, प्रयोग करिएगा और मुझे भी बताते रहिएगा कि किसको क्या इसका रिजल्ट आया। नमस्कार, धन्यवाद।